हम आपसे प्रेम करते हैं राम। राम भला करे। हमारा मतलब है भैया, हमारी नाक छोड़ेंगे नहीं तुमको भैया। राम भला करे, हमारी नाक तो कट गई, तू अपनी ना कटवाना अन्नू। आज तो ये मिस्री का फुल एंड फाइनल करके आना। जा विजय भव, आज तो तू गई मिश्री। सीता को छोड़ दे रावण, वरना तेरे प्राणों को शरीर छोड़ना पड़ जाएगा। रावण छोड़ता नहीं, छीनता है। हमें बचा लीजिए राम। नाटक नकली, गेटअप नकली, पर तीर असली। अब जैसे ही अर्जुन ये असली तीर छोड़ेगा, मैं मिश्री को अपनी ढाल बना लूंगी और अर्जुन का तीर मिश्री की जान ले लेगा। आज पहली बार ऐसी राम कथा होगी जिसमें राम रावण का नहीं सीता का वध करेगा। प्रिया बार बार बुआ को देख के स्माइल क्यों कर रही है? जरूर इसने कोई चाल चली है। अर्जुन जो तीर चलाने वाले हैं, वो असली है? यानी प्रिया अर्जुन के हाथों हमें मरवाना चाहती है? हाय मम्मी। ये तो असली थी। ये तो अर्जुन की दवाई है ना जीजी? है? अनु? चुप! सिर पे दिमाग लेके तो चल नहीं सकती, मुकुट में दवाई छुपा के चल रही। बेशरम, अरे घर में कौनू दराज की कमी है? ए पुन्नी, देख रही है अपनी लापरवाही की पुतली को? अब जा, जाके नजर उतार ले, अर्जुन का ध्यान रखेगी। नहीं मैं। चुप,
ज्यादा यहाँ वहाँ की ना तो यही सबके सामने कान लाल कर देंगे। बधाई हो, हर बार की तरह ई बार भी मेहमानों के आगे तमाशा कर ही दिया। तनिक राम कथा होने तक तो ठहर जाती। और एक तो बात बता, ये असली तीर कहाँ से आया? तू जानती थी ना? जानती थी कि नहीं? जी जी ए पुनी, चलाई ना ऐतराज की आरी, जिज्जी है बहुत करारी। आप बौरिया, आज से अर्जुन की दवाई की जिम्मेदारी तुम्हारी, समझी? जी बड़ी दादी। नानी मेरी बात तो सुनिए नानी। शुक्र है ये नकली दवाई का झंझट खत्म हुआ। अब हम अपने अर्जुन को सही दवाई देके जल्द से जल्द अच्छा कर देंगे। थैंक यू मम्मी, बस ऐसे ही साथ देती रहना। अर्जुन, अर्जुन ये लो, दवाई पी लो। बाद में। दवाई के लिए टाइम नहीं है। और हमारे लिए? अर्जुन, क्या ड्राइंग बना रहे हो? दिखाओ। अरे दिखाओ। सुगी तो नहीं? ये मम्मी नहीं है, ये तो तुम हो। अर्जुन, हम नहीं जानते थे अर्जुन कि आप इतनी अच्छी ड्राइंग बनाते हो। बात बताऊं? मुझे भी नहीं पता था। और मेरे लिए तुम्हारा फेस ड्रॉ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारा फेस आंखें बंद करके भी ड्रॉ कर सकता हूँ। पहले दवाई पी लो अर्जुन। लो अर्जुन, लो पियो पियो पियो। वाओ स्ट्रेंजर गर्ल, तुम्हारे हाथ की दवाई तो कोल्ड ड्रिंक जैसी मीठी मीठी है। अनु जब पिलाती थी तो बहुत कड़वी लगती थी। क्योंकि वो आपकी दवाई थी ही नहीं अर्जुन। लेकिन आपको ये सब जान के परेशान होने की जरूरत नहीं है। अर्जुन, अब आप रोज ये मीठी मीठी दवाई पियोगे, ओके? ओके। चलो अर्जुन, अब सो जाना। हाँ, गुड नाइट। अर्जुन, क्या हुआ? मुझे कहानी सुने बिना नींद नहीं आती। हम दादी माँ को बुला लाए? तुम ही सुना दो ना प्लीज। एक बार की बात है, एक बड़े से शहर में बड़ा सा महल था। उस महल में एक राजा रहता था और उसकी रानी रहती थी। उसके बाद एक दिन राजा
वाओ, कितनी क्यूट फोटो है बड़ी दादी। ओ, मेरा तो मन कर रहा है इस फोटो को फ्रेम करा के ना दीवार पे टांग दूं। सही बात है, कितनी प्यारी लग रही हो। हाँ सच में। पर किसी से बिना पूछे फोटो लेना बैड मैनर्स बड़ी दादी। चल वो तो है मौसी जी। मौसी जी क्या देख रही है? हमारे 7 नंबर की चप्पल दिखाएं। राम भला करे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मौसी जी वैसे आज कोई कुछ ज्यादा ही फ्रेश नहीं लग रहा है। भाभी एक बात बताइए, ये फोटो बहुत अच्छी है ना? मैं सोच रहा था सोशल मीडिया पे डाल दूं। मम्मी ये फोटो कब किसने? भाभी बड़ी दादी। बड़ी दादी आपने? हम ये बहुरिया उका। अरे ये बुढ़ापा है ना, रात भर नींद नहीं आती है, बस ऐसे टहल लेती हूँ। टहलते टहलते ये मनोरम दृश्य देख गया तो हम फोटो खींच लिए हो। मनोरम दृश्य वैसे बिल्कुल फिल्मी पोस्टर लग रहा है क्यों मौसी जी? सही सही। ए पुनी यहाँ यहाँ ये देख कितनी बढ़िया है। ना बढ़िया। ओफो ये तो कुढ़ने लगी। ए बहुरिया तू जैसे अर्जुन को कहानी सुना रही थी ना, ऐसे ही आज रात अपनी दादी सास को भी कहानी सुना के सुला देना, शायद इनको ठंडक पड़ जा। अरे ला फोन दे हमरा, तपा नहीं उनको ला। ए, जान नहीं का दुपट्टे जैसी लहरा रही। अरे हम जान बुझ के थोड़ी, हम तो एकदम चुप। हम सब जानते हैं और तुम तीनों जान ले हो, समझी? अर्जुन और मिश्री का रिश्ता जीवन भर का है, कौन तोड़ नहीं पाएगा। और ऐसी फोटो खींचने के 1000 अवसर आएंगे हमारे पास। बात करती है ए बहुरिया, तू इन जल कुकड़ियों की वजह से अपना दिल छोटा ना कर। अर्जुन तेरा था, तेरा ही रहेगा और तेरी देखरेख में बहुत जल्दी अच्छा भी हो जाएगा। कभी नहीं। तू क्या कहना चाह रही है कि मेरा अर्जुन कभी ठीक नहीं होगा? तुम नहीं चाहती हो कि भैया ठीक हो? बोल। अनु नहीं नानी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मिश्री तो भरोसे के लायक ही नहीं है, इसकी वजह से अर्जुन थोड़ी कोई ठीक होगा। ये तो जरूर कोई गड़बड़ ही करेगी, उसकी बचपन की दोस्त तो मैं हूं ना, ये मिश्री थोड़ी है। मिश्री अर्जुन का प्यार है हाँ। और हमको ई पर पूरा भरोसा है, समझी? बड़ी दादी हम अर्जुन के लिए हलवा बना रहे हैं, आप सब खाएंगे ना? भाई हम तो खाएंगे। हम भी खाएंगे। अब भाभी
मैं अभी तो नहीं खा पाऊंगा, एक्चुअली मुझे मेरे एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे जाना है, सो आप फ्रिज में रखिएगा, मैं कल खा लूंगा। बर्थडे पार्टी? चीजों को पार्क में कितना मजा आया ना? हाँ अर्जुन, बहुत मजा आया। आजा बैठो। सिंजगल, थोड़ी देर बाद फिर से जाएंगे? हाँ अर्जुन, जरूर चलेंगे, बाय, जूस पीने के बाद। ओके ओके, हम अभी आते हैं। ओके भाभी, सुनिए ना, मैं हैकेट के लिए जा रहा हूँ, तो आप दिनेश मोहन को बोल के मेरा जैकेट प्रेस करवा देंगे प्लीज? ठीक है, ओके। और अगर मेरे फ्रेंड्स आए तो उन्हें वेट करने के लिए बोलेगा, मैं बस यू गया और यू आया। ओके अश्विन, हम थोड़ी देर बाद पार्क में फिर से खेलने जाने वाले हैं, तुम भी साथ में चलोगे? बहुत मजा आएगा। अर्जुन भैया, दरअसल मुझे आज मेरे एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे जाना है, तो हम कल खेले? हाँ डन। ओके डन, बाय बाय। डंडन गोपाल, हेलो। तुम्हारा छोटा भाई पार्टी में जा रहा है, मजे करेगा, और तुम यहाँ बैठ के बॉल से खेलते रहोगे? तुम्हें पार्टी में नहीं जाना? मुझे भी पार्टी में जाना है। जाना है? हाँ। तो चलो मैं तुम्हें रेडी कर देती हूँ। तो मुझे पार्टी के लिए रेडी करोगी? हाँ हाँ, चलो चलो आ जाओ, कम 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 लो। वाह अर्जुन, तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। हाँ वाह, कुछ बिग बॉय जैसा। हाँ हाँ बिल्कुल बिग बॉय जैसा। लो ये मास्क भी पहन लो। ये मास्क किस लिए? जितने भी बिग बॉयज होते हैं ना, वो पार्टीज में जाते हैं तो ये मास्क लगा के जाते हैं। तुम भी लगा लो। हाँ मैं सिंजगल को दिखा के आऊं? ओह नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, उसको नहीं दिखाऊंगा मैं। कोई बात नहीं अर्जुन, तुम्हें उसे दिखाना है तो दिखा सकते हो, लेकिन अगर उसने तुम्हें पार्टी में जाने से रोका, घर में सबको बता दिया, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें तो बिग बॉय बनना है ना? हाँ? अरे अश्विन कहाँ है यार? अर्जुन देखो, मैं आपके लिए जूस। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, तूने अर्जुन को देखा है? हाँ देखा ना, 6 फिट हाइट है, रंग गोरा है, देखा है। देख प्रिया, अगर तूने ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की है तो अश्विन, अरे चलना, लेट हो रहे, आजा जल्दी चल। अश्विन भैया अभी अभी दोस्तों के साथ चले गए। अश्विन तो अभी अभी बाल कटाने गया था, तो फिर उसके दोस्तों के साथ। मिश्री, हाय मम्मी, हमें लगा कि तूने तो जूस पीने के लिए मुंह खोला है, इसलिए हमने पिला दिया। ये तो चली गई, अब देखते हैं अर्जुन कहाँ चले गए। अर्जुन, अश्विन अश्विन, ओए होए स्टड, क्या बात है, अभी से मास्क लगा लिया, इसे आज की पार्टी की अलग एक्साइटमेंट हो रखी है। अरे चलना, लेट हो रहे हैं, चल चल आजा जल्दी चल। चलो अश्विन भैया की जैकेट इस्त्री कर देते हैं।
अश्विन भैया तो चले गए। भैया आपने अश्विन की जैकेट प्रेस कर दी? करने वाले थे लेकिन अश्विन भैया अभी अभी दोस्तों के साथ चले गए। क्या अश्विन तो अभी अभी बाल कटाने गया था तो फिर उसके दोस्तों के साथ? हाय मम्मी, अर्जुन चलो चलो मजा आएगा आज। चल आज तेरे को पर मैं वॉच खुलाता हूँ। चल अच्छा गाइस रिया भी इनवाइटेड है। क्यों याद आ रही है? अबे देखिए मैं पर मैं तू नकरे मत कर। चल गाड़ी में बैठ। चल चुपचाप बैठ। चलो 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 यार। नहीं वो हाइड्रोक्स क्लब हमारा ही। अर्जुन अर्जुन कहाँ है मिश्री? हम आपको लौट कर सब कुछ बता देंगे पर अभी हमारे अर्जुन के पास पहुँचना बहुत जरूरी है। अरे कहाँ चली? आप बिल्कुल टेंशन मत लेना अर्जुन। एक क्या आपके लिए 7 दरवाजे तोड़ कर आना भी मिश्री माइंड नहीं करेगी अर्जुन, पर आप तक जरूर पहुँचेंगे। अर्जुन कहाँ है? अरे कहाँ चली? आप बिल्कुल टेंशन मत लेना अर्जुन। एक क्या आपके लिए 7 दरवाजे तोड़ कर आना भी मिस्ट्री माइंड नहीं करेगी अर्जुन, पर आप तक जरूर पहुँचेंगे। अश्विन के कमरे में पार्टी का इन्विटेशन जरूर होगा। हाइड्रोक्स क्लब हमारा ही अर्जुन। अर्जुन कहाँ है मिश्री? हम आपको लौट कर सब कुछ बता देंगे पर अभी हमारे अर्जुन के पास पहुँचना बहुत जरूरी है। अरे कहाँ चली? आप बिल्कुल टेंशन मत लेना अर्जुन। एक क्या आपके लिए 7 दरवाजे तोड़ कर आना भी मिस्ट्री माइंड नहीं करेगी अर्जुन, पर आप तक जरूर।